बैठो, कम है। तुम्हें डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का कहा है, कंप्लीट रेस्ट। लेकिन मुझे आपके काम खुद से करना अच्छा लगता है, शौक है मुझे। तो तुम्हें काम करने का बहुत शौक है। शौक तो है, वैसे भी पूरा दिन तो घर में फ्री होती हूँ, और फिर एग्जाम्स की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। फिर बाकी वक्त में कोई ना कोई काम करना तो जरूरी है ना। अच्छा, वो साथ वाला कमरा तुम्हारे लिए तैयार करवा दिया मैम से कह के, कल से तुम वहीं शिफ्ट कर जाना। क्यों? बल्कि ऐसा करना, अपना सामान भी ले जाना, तुम्हें आसानी रहेगी। साफ यार, मुझे लगा हमारे बीच जो गलत फहमियां थी वो खत्म हो गई हैं। फिर आप क्यों मुझे कमरे से निकलने को कह रहे हैं? अरे नहीं, तुम्हें कमरे से थोड़ी निकाल रहा हूँ, बस कुछ दिनों के लिए है ये। एक्चुअली आजकल प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो देर तक मीटिंग चलती रहती है, कॉल्स आती हैं, और इस सब की वजह से तुम डिस्टर्ब हो जाओगी। और इस कंडीशन में तुम्हें प्रॉपर आराम की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी। आप पूरी रात ये काम वाम करें, जितना मर्जी शोर करें, मैं चादर लेके सो जाऊंगी, मुझे कोई मसला नहीं होगा। एक तो तुम बहस बहुत करती हो यार। लिसन, जैसा मैं कह रहा हूं ना, तुम वैसा ही करोगी। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, ओके? सावियार प्लीज। तुम समझती नहीं हो यार, आज तक मैं वो जुबान नहीं समझ सका जिससे तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकूं। लिसन, आई नो व्हाट्स बेटर फॉर यू एंड द बेबी, और इसी वजह से मैंने एक फुल टाइम मेड भी हायर की है। वो तुम्हारी डाइट और आराम का पूरा ख्याल रखेगी। शी इज गोइंग टू मेक यू अ कंप्लीट डाइट प्लान, और तुमने उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सुना तुमने? मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूं। डाइट शायद जो अपना ख्याल मैं खुद से नहीं रख सकूं, अपनी डाइट का, अपने हराम का ख्याल मुझे रखना आता है। मैं अपना ख्याल खुद से रख लूंगी, और फिर आप भी तो हैं मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। तुम बच्ची नहीं हो नाया, लेकिन ना समझ और बेवकूफ जरूर हो। और अगर इसी बेवकूफी और ना समझे की वजह से तुम्हें कुछ हो गया या मेरे बच्चे को, तो मेरा क्या होगा? अगर तुमने ऐसी कोई गलती की ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। साफ़यार, आपको पता, लोग कहते हैं एक औरत जब मां बनने वाली हो ना, उसकी नजरों के सामने वो शख्स रहना चाहिए जिस पर वो चाहती है उसका बच्चा जाए। For God's sake. और मैं चाहती हूँ आप हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहें, बस ख्याल मैं अपना खुद रख लूंगी। नायाब नायाब नायाब, तुम समझने की कोशिश करो यार, इस घर में कोई भी नहीं है जो तुम्हारा ख्याल कर सके। मॉम बिजी होती है, और मैं भी, इसी वजह से तो इस मेड को हायर किया ताकि वो तुम्हारा मुकम्मल तौर पे ख्याल रख सके। अब प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो, और अब इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। दिस इज इट, दिस इज फाइनल, ओके? इतनी बड़ी बात हो गई मॉम, आपको मुझे कॉल करनी चाहिए थी। क्या बताती मैं, और बता के क्या कर लेती बेचारी तानिया, उसका इतना नुकसान हो गया। शी हैज बीन थ्रू अ टॉर्मेंट। और वैसे भी तुम्हें अपनी वाइफ से फुर्सत हो तो तुम्हें कोई और नजर आए ना। इसमें नायाब का भला क्या कसूर है? एक कॉल तो तुम भी कर सकती थी निगार, और वैसे भी ना कहानी है अल्लाह की तरफ से। और किसको पता था कि तानिया माँ बनने वाली है? उसने तो नहीं बताया था हमें, किसी को खबर नहीं थी। चले, मैं जुनैद को मिलके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तानिया तो दुर्दाना के साथ चली गई है घर। ठीक है, वहां चला जाता हूँ, मिलके तो आऊ। मैं भी आपके साथ चल। नहीं, तानिया भी बहुत बुरे ट्रॉमा से गुजर रही है, किसी को उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी घर आ जाएगी वापस। वैसे भी तुम्हें आराम करना चाहिए, कॉल करता हूं आप लोगों को वहां से।
आंटी आप फिक्र नहीं करें, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। नया बेटा तुम भी आराम करो जाकर, देखो जो कुछ हुआ इसमें अल्लाह की मर्जी थी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी दादी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम काला, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है कि पहले से तबीयत मेरी बेहतर है। वो तुमसे एक बात करूंगी। जी जी कहिए, क्या कहना है आपको? बेटा तुम्हारे और तानिया के रिलेशनशिप को लेकर मैं बहुत अपसेट रहती हूँ। साल हो गया है शादी को, दोनों उखड़े उखड़े लगते हो। अब देखो ना, बैठे बिठाए कितना बड़ा नुकसान हो गया, और वो भी जानी नुकसान। खाला मैं भी आपसे यही बात करना चाह रहा था। मेरी बात का यकीन करें, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरी एफर्ट्स डाली हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तानिया मुझे लेकर सीरियस है। और फिर उस पर मुझे ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि उसने ये प्रेगनेंसी की न्यूज हमसे क्यों छुपाई। उसका आपसे तो इस बात का जिक्र करती खाला, मैं जो बात आपसे पूछने जा रहा हूं, प्लीज मुझे उसका सच सच जवाब दीजिएगा। क्या तानिया किसी और में इंटरेस्टेड है? ऐसी कोई बात नहीं है, शायद उसे खुद भी पता नहीं था कि अल्लाह ताला उसे इतनी बड़ी खुशी देने वाला है, वरना वो ऐसा क्यों करती, और वो भी जानबूझकर। बेटा मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी के नसीब में खुशियां है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि उसे ये मालूम ही नहीं हुआ कि वो एक्सपेक्ट कर रही है? बेटा मैं सच कह रही हूँ, उसे खुद पता नहीं था। जो हो गया अब उसे दोहराने का क्या फायदा, तानिया डिप्रेस रहेगी। बेटा हमें उसे बेहतरी की तरफ लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब तुम ऐसा करो कि तानिया को लेकर टूर पे निकल जाओ, यूरोप ले जाओ, अमेरिका ले जाओ। फिक्र ना करो, स्पॉन्सर मैं करूंगी। नहीं नहीं मैं ले जाऊंगा उसे, आप बेफिक्र रहिए, बस वो राजी हो जाए। बेटा मैं राजी कर लूंगी, बस बस तुम जाने की तैयारियां करो। देखो मेरे पास दिन बहुत कम है, और मैं मरने से पहले अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ, उसका घर हंसता बसता देखना चाहती हूँ। बस मुझे उम्मीद है कि तुम इसमें मेरी मदद कर दोगे, मेरा साथ दोगे। जी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।